हमारे साथ रुके गए। एक वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बुंदेलखंड कानपुर एक्स 2019 के चुनाव में बुआ बबुआ का गठबंधन नहीं दे पाया था बीजेपी को टक्कर, और 2019 में कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों पर बीजेपी ने किया था कब्जा। सपा को गवानी पड़ी थी कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने चटाई थी धूल। 2022 विधानसभा चुनावों में कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों में से 41 सीटें बीजेपी के खाते में गिरी थी, सपा के खाते में गई थी 11 सीटें। सम्मेलन के बीएसपी की चिंताएं बढ़ी हैं। आपको बता दें कि जैसा हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि बीएसपी के का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे बीते 10 सालों में खिसक चुका है, और इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर बसपा अभी भी नहीं जागी तो कहीं ना कहीं ये जो अनुसूचित वर्ग है ये खिसक जाएगा बीजेपी के पाले में, और इसको साधने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं।